नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीट्यूड फार्मिंग में। दोस्तों आज हम कोसी का पेपरमेंट जो है उसमें लगा रहे हैं एजिल, झड़ुआ मकड़ा कवाई इसके लिए एजिल लगा रहे हैं, और जो लेटा वगैरह होता है उसमें उसके लिए लगा रहे हैं बासाग्रान। और बासाग्रान लगाने का मकसद है कि जिस शॉप से लेके आए हैं उस शॉप पर ये बताया गया है कि बासाग्रान लगाने से बासप का जो बासाग्रान आता है इसको 800 ml अगर एक एकड़ खेत में लगाया जाए तो इससे भदा जो है वो चला जाता है। अभी हम दोनों का घोल बना रहे हैं और दोनों का घोल बनाने के बाद 6 बीघा खेत में 8 टंकी स्प्रे करेंगे, अच्छी तरीके से दवाई को लगाएंगे। उसके बाद हम आपको 8 दिनों के बाद दिखाएंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है, भदा जाता है नहीं जाता है। अभी हम बासाग्रान जो है इसका घोल बना रहे हैं, इसके अंदर 800 ml दवाई है। ये दवाई जो है कुछ इस तरीके की निकलती है, और ये जो है हम इसमें घोल बनाएंगे वो 8 डिब्बा बनाएंगे। अभी दवाई निकल रही है, दवाई कितने डिब्बे बैठती है या जो माप हमने लिया है, कोई भी आप एक खाली डिब्बा लेंगे उससे है जो है हम स्प्रे मशीन में दवाई डालते हैं, कोई भी हो किसी भी तरीके का हो खाली बर्तन जिससे हम दवाई नापते हैं उसको 8 डिब्बा जो है तैयार करना है। अभी इसमें जो है 3 डिब्बे लगभग दवाई निकली है, अब 5 डिब्बे इसमें पानी डाला जाएगा, 8 टंकी का घोल पूरा ये करेंगे। सील हमने आपके सामने खोली है, बासाग्रान बासप का ओरिजिनल लेके आए हैं। क्या काम करता है, कितना काम करता है वो सब आपके सामने होगा। चार आ गए, ये हमारे जो है 8 डिब्बे का घोल तैयार हो गया बासाग्रान का। दूसरे एक बाल्टी में हम एजिल को घोल रहे हैं जो कि अडामा का आता है, 250 ml एजिल दिया है अडामा का, और ये जो है सील आपके सामने घोल रही है, और अभी इसका भी घोल बनाएंगे। घोल मिक्स करने का मतलब है कि दोनों दवाइयों को अलग अलग घोलना, ना कि आपको एक ही दवाई एक ही बर्तन में दोनों दवाई इकट्ठी करनी, इस तरीके का कभी घोलना बनाए। दोनों दवाई अलग अलग घुलेगी और अलग अलग घुलने के बाद स्प्रे मशीन जो है उसको फुल करेंगे, उसके बाद दवाई डालेंगे, तभी जो है दवाई नहीं फटेगी। अदरवाइज़ आपने दोनों दवाई एक ही बर्तन में घोल ली, दवाई फट जाएगी, दवाई बेकार हो जाएगी, उसमें कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब इसमें 4 डिब्बे का घोल जो है पानी हमने कर लिया इसी दवाई में, और इसमें हम पूरा 8 डिब्बा घोल जो है कर रहे हैं। 3 डिब्बे तो दवाई, 2 डिब्बे दवाई निकली थी शायद इसमें, और बाकी पानी डाल रहे हैं। पूरा 8 डिब्बे तैयार कर रहे हैं, उसके बाद स्प्रे मशीन में एक एक डिब्बा डालेंगे, उसके बाद लगाना शुरू करेंगे। ये जो है 8 डिब्बा घोल इसका हो गया बासाग्रान का, और 8 डिब्बा घोल जो है एजिल का तैयार कर लिया। अभी हम इसको स्प्रे मशीन को पानी भरेंगे उसमें, उसके बाद दोनों दवाइयों को डालेंगे, और दोनों दवाइयों डालने के बाद अभी खेत में लगाना शुरू करेंगे। दवाई जो है आप ही के सामने हमने खोली है सील इसकी, और आप ही के सामने हम अभी इसमें स्प्रे मशीन में डाल रहे हैं, उसके बाद खेत में भी लगाएंगे, उसका भी वीडियो दिखाएंगे। मकसद सिर्फ यही है कि जो दवाई जो दुकानदार जिस काम के लिए दे रहा है, क्या वो दवाई काम करती है, करती है अच्छी बात है, नहीं करती है तो किसान जो भी दवाई लेने जाते हैं वो बेवकूफ़ नहीं बने, दवाई को देखभाल कर लें, क्योंकि दवाई महंगी है, और महंगी दवाई को अगर कोई व्यक्ति लगाता है उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिले तो बेकार है फिर। अभी हमने जो है अभी इसका घोल इसको घुमा लो सही से, और घुमाने के बाद 1 डिब्बा जो है इसका डाल लो, और 1 डिब्बा जो है बासाग्रान का डाल लो। अभी एक ये पड़ गया, एक ये डाल रहे हैं, एक ये पड़ गया, दोनों में से एक एक डाल लिया। बासाग्रान 800 ml है, एजिल जो है वो 250 ml है। दोनों का हमने घोल ले लिया, स्प्रे मशीन में डाल रहे हैं अभी के सामने, और अब जो है इसको अभी खेत में लेके जाएंगे, लगाना शुरू करेंगे। उसके बाद 8 दिन बाद दोबारा जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या इसने दवाई ने काम किया या नहीं किया, रिज़ल्ट आपके सामने होगा, चूज़ आपको करना है कि दवाई काम करती है नहीं करती है। मशीन जो है पूरी पानी से भर दी हमने, दोनों का घोल भी डाल लिया, अभी हम इसको लगाना शुरू करेंगे। मशीन जो है अभी उठा के खेत में लगाने जा रहे हैं, और अभी दिखाएंगे आपको लगा के, जिस तरीके से हम लगाएंगे वो तरीका भी दिखाएंगे।
अभी जो है हम जा रहे हैं खेत में अभी दवाई लगाने के लिए। ये जो है हमारा खेत है जिसमें हम दवाई लगाएंगे। इसमें इससे पहले मैंने टाटा का प्रोडिम जो टाटा का आता है प्रोडिम लगाया था। उससे जो है घास, इसमें काफ़ी घास थी, उससे कुछ घासें चली गई। उसके बाद इसमें लेटा वगैरह था, लेटा लाई के कुछ पेड़ जमाए थे। तो फिर मैंने इसमें जो लगाया था वो लगाया था बासग्रहण। अभी दोबारा से इसमें जो है भदा जम रहा है, कुछ और भी घास जम रही है। इसमें जो घास जम रही है वो देखें आप, पहले भदा है, झरुआ है, फूलनिया घास है और कई इतनी सारी घासें हैं कि मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन घास जो है वो देखें आप, ये तो भदा जम रहा है, ये मुकैया है, ये झरुआ है। इसमें जो है कई ये जो है हमारी दवाई यहाँ पर आ गई, स्प्रे मशीन लेके आ गए, इसको हम लगाना शुरू कर रहे हैं। दवाई जो है मिला के लगाएंगे बिल्कुल आराम से, और लगाने का जो तरीका है वो इस तरीके से लगा रहे हैं, ये देखें आप। पूरा जो है जगह नहीं रह पाए, एक तरफ से मिला के लगाना है। एक बार में हम चार कूड़ लेके जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि चार लाइन लेके जा रहे हैं पेपरमेंट की, और जो मोटर जो है इसके अंदर अल्फा की मशीन है और इसके अंदर डबल मोटर है, हाई प्रेशर से इसको चला रहे हैं ताकि दवाई ज़्यादा लगे। अब ये दवाई जो है लगाने के बाद कितना काम करती है कितना नहीं करती है ये आपको देखना है। घास मैंने आपको दिखा दी, 8 दिन के बाद क्या रिज़ल्ट होगा, भदा कितना कम होगा, झरुआ कितना कम हो जाएगा, लेटा जो है इसमें कुछ जम रहा है अभी, ये देखें आप, लेटा जो है कुछ मात्रा में जम रहा है। ये इस घास को शायद झरुआ बोलते हैं, ये झरुआ है, ये भदा है। तो इसके लिए हम दोबारा से, एक बार हमने दवाई लगाई थी, ये मुकैया का पेड़ है, कुछ हद तक घास कम हो गई थी लेकिन घास दोबारा जम रही है। नराई में पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो दोबारा से जो है हम दवाई लगा रहे हैं, इस बार एजिल और बासग्रहण लगा रहे हैं। पहले हमने प्रोडिम प्लस बासग्रहण लगाया था, अब कितना काम करेगी ये आपको देखना है, और अभी रिज़ल्ट जो है वो हम आपको बताएंगे बाद में 10 दिनों के बाद। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज यहाँ पर जो है ये कोसी का पेपरमेंट है, और इसमें मैंने 20 तारीख को 20 मई को मैंने दवाई लगाई थी इसमें, और आज जो है 31 मई हो गई है, 2022 चल रहा है ये। और इसमें जो है एजिल और बासग्रहण मैंने लगाया था, बासग्रहण 800 ml प्लस एजिल जो है वो 250 ml लगाया था। यहाँ पर दवाई लगी जो है आज 11 दिन हो चुके हैं और आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। ये नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने पूरा वीडियो इसीलिए बनाया है कि एजिल प्लस बासग्रहण दोनों को मैंने अलग अलग दोनों का घोल बनाया, घोल बना के और उनको एक ही स्प्रे मशीन में डाला था। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप कि भदा जो है, इसे मोथा बोलते हैं, भदा जो है वो कुछ परसेंट दबाव के कारण कम हो गया है, लेकिन ये नहीं कि भदा बासग्रहण से चला गया, भदा बासग्रहण से नहीं जाता है, केवल ये है कि कुछ समय के लिए भदा की रोक हो जाती है, मोथा रुक जाता है, जिससे क्या होता है हमारी जो भी फसल होती है वो उठ जाती है, और ये भदा जो है ये थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है इस पर। बासग्रहण जो है ये सिर्फ ब्रेक लगाने का काम करता है, ना कि जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम बासग्रहण लगा दे रहे हैं पेपरमेंट में और उसको लगाने के बाद हमारा भदा चला जाएगा, ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। बासग्रहण से भदा नहीं जाता है, सिर्फ जो है कुछ समय के लिए रोक हो जाती है। और ये बता दूं मैं आपको कि एजिल प्लस बासग्रहण लगाने के बावजूद भी कुछ ऐसी घास हैं जो बिल्कुल नहीं जाती हैं। सबसे पहले बिस्कपड़ा, ये आप देख रहे हैं ये तैयार हो रहा है, ये नहीं जाता। मकुइया, ये नहीं जाती है, मकुइया भी नहीं जाता है। और जो है आपका दूसरा ये बिस्कपड़ा, ये भी नहीं जाता है। मकुइया ये देखें आपके सामने खड़ी है, इनको आप क्या करेंगे किसी खुरपी से या फावड़े से ऐसे पेड़ जो आपको दिख रहे हैं ये काट देंगे, ठीक है। इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।